अच्छा नेक्स्ट हमारे पास याकूब है, याकूब प्लीज आइए, मैं प्लीज याकूब याकूब सबसे पहले अपनी जरा इंट्रोडक्शन करवाते हैं जब तक कि आपका ओपन कर रहे हैं। मेरा नाम याकूब है ये बिल्कुल मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है स्टेज का, अगर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाऊँ तो उसके लिए बहुत मान रहा। मेरा नाम चाकू है, यहाँ पे आने से पहले मैं बच्चों की ऑन साइड जॉब थी तो मैं यूनिवर्सिटी में जा नहीं सकता था, लेकिन शौक था थोड़ा सा। सर की कोविड की कुछ वीडियोस देखी थी लेकिन उसको अच्छी लेन का सलाह थी। उसके बाद जब कोर्स अनाउंस हुआ तो एडमिशन लिया। HTML की बेसिक सर की क्लासें पढ़ी थी और आज अलहमदिल्ला सर की मेहनत और लगन से उनकी बहुत कोशिशें और काबिश है हमें इस मकाम तक पहुंचाने में कि आज हम जावास्क्रिप्ट को बेस बनाकर मैं प्रोजेक्ट कवर कर रहा हूँ, मार्केट में काम भी करना स्टार्ट कर सकूँ। जो आपको बता चुका कि पिक्चर यूनिवर्सिटी का चुनर सॉफ्टवेयर इंजीनियर करेंटली ग्राफिक डिजाइनर हूँ प्रोफेशन में और माय स्टैक डेवलपमेंट कर रहा हूँ SMIT। अच्छा आज मैं आपको ना दो प्रोजेक्ट्स अपने दिखाने वाला हूँ। द वेरी फर्स्ट वन इज सेनमाटी की बुकिंग वेदर एंड द सेकंड वन इज वेदर चेक वेब एप यूजिंग API जो HTML CSS बूट यूजर और जावास्क्रिप्ट में बनी हुई है और बैकएंड डेटाबेस के लिए हमने 5-star डेटाबेस यूज किया है। अच्छा ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है सैनमा टिकट बुकिंग वेब ऐप का, इसका फ्रंट का ये UI है। अच्छा ये नेम आ रहे हैं जिसके अंदर मल्टीपल मूवीज के बैनर चल रहे हैं जो कि वहाँ अवेलेबल है जिस पर सैनमा। अच्छा जब यूजर ये ऊपर का हेडर था सर प्रीवियस, उसके नीचे ये एक विंडो बनाई हुई जिसके अंदर हमारी जो करंट जितनी भी मूवीज मतलब सैनमा में लगी हुई है उनका नाम आ गया, उनका थोड़ा सा जूम करेंगे प्लीज, कंट्रोल। अच्छा ये थोड़ा ब्लर हो गया, उसके बाद यहाँ पे उसका पोस्टर आ गया, नाम आ गया, उसका जो ड्यूरेशन है किस लैंग्वेज में है और नीचे दो बटन दे दिए हमने। बटन किस लिए दिए था, जो पहला पीपल बटन है ना वो वॉच ट्रेलर का बटन है ताकि जो भी यूजर आता है अगर बुक करने से पहले ट्रेलर देखना चाहे डायरेक्ट, हम सब यही करते हैं अगर जाते हैं तो पहले ट्रेलर देख के जाते हैं तो किसी यूजर को यूट्यूब पर डायरेक्ट डायरेक्ट ना होना पड़े, जो भी पोस्टर है वो यहाँ पे बटन क्लिक करें तो वो वहाँ मोड़ा करते मिल जाएगा। नेक्स्ट प्लीज, इस तरह वॉच ट्रेलर के बटन को ओपन करेगा और यहाँ पे इसके बाद मोड़ा ओपन हो जाएगा, जो भी मूवीज होगी वो यहाँ पे रेंडर होना शुरू हो जाएगी, उसका ट्रेलर शुरू हो जाएगा प्ले। अच्छा अब अगर वो ट्रेलर से हो गया तो ट्रेलर समझ आ गया, अब वो टिकट बुकिंग की तरफ जाएगा। जब टिकट बुकिंग की तरफ जाएगा तो उस मूवीज के जो अवेलेबल स्लॉट्स होंगे ना वो यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे शो टाइम आ गया सैटरडे 1 अक्टूबर 2022 और यहाँ दो टाइम आ गए, एक 7 PM और इस सेकेंड डेट का आ रहा है 5 PM। यूजर जिसको सिलेक्ट करेगा उसको आगे प्रोसीड कर दिया जाएगा। अच्छा उसके बाद ये एरियल व्यू दिख जाएगा, एरियल व्यू है सैनमा का जिसके अंदर वो यूजर है अपनी सीट की जो पोजिशन है सैनमा की वो चूज कर सकता है, उसके बाद वो आगे प्रोसीड करेगा। इस तरह ये दिखाया गया कि जब 4 सीट्स ऑक्यूपाई हो जाएंगी तो यहाँ काउंटर चल जाएगा और जो पर सीट की जो प्राइस है वो यहाँ पे रेंडर हो जाएंगी सारी। अच्छा इसके बाद परचेज टिकट के बटन पे क्लिक करेगा तो एक मोडाल ओपन होगा जिसके अंदर वो कस्टमर की नेम और कस्टमर का CNIC आ जाएगा और कन्फर्मेशन। अच्छा इन केस अगर कस्टमर नहीं है डिटेल देता तो वो डायरेक्ट आगे नहीं बढ़ेगा, वो ट्रिगर देगा कि डिटेल्स इन्वेंट है आप डिटेल्स डालो तभी जाके आगे प्रोसीड करेगा। एट दी एंड ये टिकट उसके सामने रेंडर हो जाएगी जिसमें मूवी का नाम, शो टाइम, टोटल सीट्स, टोटल प्राइस, इसका नाम और CNIC आ रहा होगा, वो चाहे तो रिटर्न टू होम कर ले चाहे तो उसको टिकट को डाउनलोड कर ले अपने पास से। और ये 5-star डेटाबेस का बैकएंड का है ताकि जो एडमिन हो जैसे डेवलपर बैठा या कोई भी पीछे फंक्शनलिटी पर बैठा हुआ है तो वो किस तरह उसको रीडायरेक्ट करेगा, किस तरह उसको आइडेंटिफाई करेगा कि किस उसकी
किस यूजर की कौन सी मूवी है और किस टाइम, ये उसका यूआरएल है। नेक्स्ट प्लीज। सेकंड प्रोजेक्ट जो मेरा है ना वो वेदर चेक एपीआई, वेदर चेक एप्लीकेशन है, एपीआई को यूज करते हैं। अच्छा, जब इस वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे ना, रिडायरेक्ट होंगे तो सबसे पहले आपकी लोकेशन मांगेगा, तो जिस लोकेशन पर आप होंगे, आपकी जो नेट मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल में जो नेटिव लोकेशन होती है वो चेक करेगा और उसी का वेदर ला कर आपको फ्रेंड में शो करवाएगा सबसे पहले, इस तरह। अच्छा, इस डेटा के अंदर ये जो डेटा है एपीआई से फैच होकर आ रहा है, जब वेंडर होगा डेटा तो उसके अंदर जिस लोकेशन पर आप हैं उसका नाम आ जाएगा, जो करंट वेदर है वो आ जाएगा, वेदर का नाम, और आप ये देख रहे हैं वेदर का जो बैकग्राउंड है ना, जिसके मलान के पीछे का बैकग्राउंड और जो आइकन है वेदर का, वो वेदर के नाम से रिलेवेंट होगा। जैसे जैसे वेदर चेंज होगा ये आइकन और ये चेंज होते जाएंगे, ताकि यूजर को पता चलता रहे कि उसका जो यूआई है ना सब ज़्यादा मैटर करती है। सर ने भी हमें बात बताई, अगर हम इसी तरह एक यूआई पे रखें तो मज़ा नहीं आया, वो जब जब चेक करें तो उसको। अच्छा, वो लोकेशन का नाम आ जाएगा, जो करंट टेम्परेचर हमने आपको बोलता है, और जो आइकन और बैकग्राउंड है वो एज पर टेम्परेचर चेंज होते रहेंगे। अच्छा, ये कुछ ग्लिम्स जो मैंने आपको बताया, जैसे जैसे बैकग्राउंड चेंज हो रहा है उसका होगा लास्ट। यहाँ पे आप किसी भी लोकेशन का वेदर चेक कर सकते हैं अराउंड द ग्लोब, अगर फाउंड नहीं करेगा तो आपको नॉट फाउंड बता देगा, और होगा तो आपको रेंडर करवा देगा। नेक्स्ट प्लीज। ये URL है विजिट करने का। जस्ट रैप अप फ्रॉम माय साइड।